لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बात करते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की। उनका एक क्लिप मुझे देखने का मौका मिला, जिसमें देखने के बाद तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इंजीनियर मिर्ज़ा से तरक्की करके अब शायद पीर इंजीनियर मिर्ज़ा बन गए हैं। अपने मुरीदीन से एक ऐसी बात करते हुए वो नज़र आते हैं जिसकी वो अपनी ज़ात में बड़ी मुखालिफत करते नज़र आते थे, जिसका ताल्लुक वजद से है। वो कहने हैं कि आप जो है मेरी बातें सुनकर झूमें और झूम के एक शेर पढ़ें कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी। तो अब ख़ुद अपने मुरीदीन से कह रहे हैं कि झूमो, तो अब ये तो पीरी मुरीदी शुरू कर दी है और फिर मेरे किताबचे पढ़ो, मेरे रिसर्च वर्क पढ़ो। खैर बहरहाल ये तो एक ऐसी लतीफ़तन बात कह दी मैंने। असल मकसद ये है ये बताना कि ये जो खुलेआम इतने ज़्यादा तरीके से एक ही लाठी से सबको हांका जाता है और ये जो तंजिया तौर पर लफ्ज़ बाबा इस्तेमाल किया जाता है, उसका अलग गलत मतलब निकाला जाता है, उससे अवामुन नास में उलमाए दीन और जो मशायख और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनकी इज़्ज़त का जो पैमाना हमारे दिलों में होना चाहिए उसमें बहुत कमी आ गई है उन लोगों की जो इंजीनियर साहब टाइप के लोगों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और मानते हैं। वो उलमाए सू और उलमाए हक में फ़र्क नहीं कर पाते। उनको लगता है कि सारे उलमा जो हैं वो ऐसे ही थे और वो इसी तरह का एक पैगाम उन तक जाता है। मैं इनकी नीयत नहीं जानता कि इनकी नीयत क्या है, नीयतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिस तरीक़े के इनके खिताबात होते हैं कि कभी इमाम सुयूती पे कलाम कर रहे हैं, कभी इमाम गज़ाली से नाइत्तेफाक़ी का इजहार कर रहे हैं, कभी यानी जिनको पढ़ कर ये इस मुकाम पर आके बैठे हैं उन तमाम लोगों से इनका इख्तलाफ है, तो मालूम नहीं इनका किस पर इत्तेफाक है। और जिन पर इनका इत्तेफाक है उनके हाल हमें मालूम हैं, आपको भी मालूम हैं। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हिदायत का फ़ैसला करे। मैं तो बस एक ही बात करूँगा कि खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप किसी आलिम दीन को उठा के देख लें, किसी फ़कीह को उठा के देख लें, वो तरबियत नफ्स के मनाजिल और सलूक की मनाजिल से गुज़रा है। चाहे वो इमाम अबू हनीफ़ा हों, चाहे इमाम मालिक हों, चाहे इमाम शाफ़ई हों, चाहे इमाम अहमद इब्न हम्बल हों, ये सलूक की जो मदारिज होते हैं ये उसी तरह खासा है जिस तरह शरई मसाइल हैं। शरई मसाइल आपको तालीम तो दे सकते हैं लेकिन उस तालीम को एक अमली जामा रूहानी तौर पे पहनाने की तालीम, ये आपको साहिबान सलूक से मिलेगी। ये तालीम आपको उन लोगों से मिलेगी जिनका इस फील्ड में मलका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने पानी चखा नहीं वो पानी पर कलाम करते हैं। इसलिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सबकी हिदायत का फ़ैसला करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।